जी हाँ, युद्ध का एक और मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताएंगे आपको कि चीन की किस तरह से घेराबंदी हो रही है और बाकी मुल्क का क्या कहना है चीन की इस हरकत पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निधि वासंदानी और स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपको बता दें कि ताइवान पर चीन का किसी भी वक्त हमला हो सकता है, बहुत बड़ी खबर है ये। ताइवान के चारों तरफ चीन की मिलिट्री ड्रिल हो रही है। फुजियान प्रांत में चीनी नेवी ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं। डोंगियन द्वीप में भी चीनी नेवी का अभ्यास हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह जो ताइवान की घेरेबंदी की कोशिश चीन की ओर से और जो चीन की नेवी है, चीन की वायुसेना है, वो लगातार गश्त कर रही है। चीनी सेना की ड्रिल को लेकर ताइवान में भी हड़कंप है, हाई लेवल बैठक भी हो रही है ताइवान में। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो युद्ध का मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहा है कि कभी भी चीन अटैक करने की पोजिशन में ताइवान पर आ सकता है। चारों ओर से जल थल नभ, चारों ओर से घेरने की तैयारी की जा रही है ताइवान को और ये ड्रिल इसका सबूत है। ताइवान की घेराबंदी इस वक्त हो रही है। दो तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। एक तरफ आप फाइटर जेट्स देख रहे हैं तो दूसरी तरफ युद्धाभ्यास की एक और ड्रिल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताइवान के पास जो पीएलए है चीन की सेना, उसका युद्धाभ्यास हो रहा है। तमाम सैनिकों को आप देख रहे हैं। जी हाँ, तो चीन ताइवान को चारों ओर से घेर रहा है और ये घेरेबंदी बहुत कुछ कह रही है। ऐसा आमतौर पर पहले नहीं होता था कि चीन ताइवान को चारों ओर से घेर कर ऐसी कोई ड्रिल कर रहा हो, लेकिन इस बार चीन आर या पार के मूड में दिखाई दे रहा है। लगातार चीन ताइवान पर अपना हक जमाता रहा है, उसे अपना द्वीप मानता रहा है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त चीन अटैक कर सकता है ताइवान पर कब्जा करने के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान की सीमा में घुसे चीनी मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कई चीनी कोस्ट गार्ड शिप भी ताइवानी सीमा में घुसे हैं। ताइवान की एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से जानकारी मिली है और ताइवान एयरफोर्स ने नई तस्वीर भी जारी की है। चीनी मिसाइल डिस्ट्रॉयर सीमा में घुसे हैं और ये ताइवान इस बात की पुष्टि कर रहा है। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये ताइवान की ओर से जारी की गई हैं, जिसमें सबमरीन एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए हैं समंदर पर। देखिए, कोस्ट गार्ड का शिप है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये समंदर में किस तरह घेरेबंदी हो रही है। चीनी युद्धपोत है ये। तीन मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी कैद हो गए हैं तस्वीरों में। ये तीन मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो हम आपको दिखा रहे हैं सबमरीन के जरिए समंदर में, दरअसल ये बड़ी स्ट्रैटेजी रची गई है चीन की ओर से। और ताइवान के करीब चीन की मिलिट्री ड्रिल ने तीसरे जंगी मोर्चे को हवा दे दी है। चीन इसे दंडात्मक सैन्य अभ्यास बता रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जंग के तीन संकेत मिल रहे हैं। पहला, 16 मई को पुतिन का चीनी दौरा। वहीं दूसरा, 20 मई को ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते की शपथ के बाद से चीन बौखला चुका है। और तीसरा, कल से शुरू हुई चीन की जंगी ड्रिल, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले से ही रूस यूक्रेन जंग के हालात में है, इसराइल गाजा के जंगी मोर्चे चल रहे हैं, तो क्या अब दुनिया का ये जो तीसरा वॉर फ्रंट है वो खुलने वाला है? तीसरे जंगी मोर्चे के मुहाने पर इस वक्त दुनिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवानी सेना का बहुत बड़ा दावा है, ताइवान के आसपास चीनी जंगी बेड़े की ड्रिल है और चीन के कई फाइटर जेट्स और युद्धपोत यहां पर तैनात हैं। कोस्ट गार्ड जहाज ताइवान के आसपास है। और आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार कि ताइवान पर ड्रैगन ने कैसे घेराबंदी की है, क्या प्लानिंग है चीन की। 49 फाइटर जेट देखिए तैनात हैं, ये प्लानिंग है। 19 युद्धपोत समंदर में, 7 कोस्ट गार्ड शिप, और ये ताइवान के नजदीक है सब कुछ। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि, और जो कोड नेम तैनात है ज्वाइंट स्वर्ड 2024A, ये कोड नेम है जिसको डीकोड किया गया। मकसद क्या है? मकसद है सजा देना, यानी पनिशमेंट। और इसी मकसद के साथ चीन आगे बढ़ रहा है। शामिल कौन कौन है? चीन की नेवी शामिल है
और चीन के जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं, जो तस्वीरें दिखाई। एयरफोर्स वायुसेना चीन की वो शामिल है, क्योंकि फाइटर जेट्स की जो तस्वीरें आपने देखी वो बताती है कि किस तरह ताइवान की घेरेबंदी हो रही है, और इसमें स्पेशल रॉकेट फोर्स भी शामिल है। तो एक तरह से मनीष झा हमारे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, एक तरह से ये पूरी तरह से पूरी चारों खाने चित करके चीन ने स्ट्रैटेजी रची है कि ताइवान को चारों कोनों से घेरा जाएगा, और इसी बात की पुष्टि ताइवान कर रहा है। बिल्कुल, देखिए चीन ने जिस तरह का मिलिट्री ड्रिल शुरू किया है, दरअसल ये मिलिट्री ड्रिल कम है, ताइवान की घेरेबंदी है, ताइवान को धमकी देने की कोशिश है, उसको दबाव में रखने की कोशिश है, और चीन कहता है कि हम दंड देंगे। किस बात का दंड देंगे? क्या चीन इस बात के लिए दंड देगा कि ताइवान अपनी एक आजादी को बरकरार रखे हुए है, उसने अपने एक नई सरकार को चुनी है और वो चीन के को अपना अंग नहीं मानता है, इस बात के लिए दंड मिलना चाहिए? सवाल यह है कि आज की तारीख में चीन ने जिस तरह से ताइवान की घेराबंदी की है, लेकिन ताइवान भी तैयार है। ताइवान के एयरफोर्स ने बताया है कि हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं है। ताइवान के पास अमेरिका के दिए हुए F-16 विमान है, जिसके जरिए हवा में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, चीन के फाइटर जेट को खदेड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो साउथ चाइना सी में चीन की नेवी और चीन के कोस्ट गार्ड के शिप हैं, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है, और इसके लिए ताइवान की नेवी ने भी इमरजेंसी के तौर पर, देखिए जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये ताइवान की लोकेशन को आप देखिए, ताइवान एक छोटा सा आइलैंड, उसको चारों तरफ से कैसे चीन के शिप के जरिए से, चीन के वॉरशिप के जरिए से घेरा गया। वहीं दूसरी तरफ ताइवान के जो चार छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिसमें किनमेन है, मोत्सु है, इन ये सब चीन की सीमा से सटे हुए हैं, और इन सब को भी पूरी तरह से घेरेबंदी कर दी है। ताइवान को ये लगता है कि चीन ड्रिल के नाम पर कभी भी हमला कर सकता है, और अगर हमला करने की नौबत आई तो 1 से 2 घंटे के अंदर चीन की सेना ताइवान की जमीन पर उतर सकती है, और इसीलिए ताइवान ने उस हिसाब की तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, बड़ी तस्वीर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, चारों ओर से चीन ने ताइवान को घेर रखा है। और इसको एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष आपके पास लौटूंगी, ताइवानी राष्ट्रपति ने किया मिलिट्री बेस का दौरा, चीन की सैन्य ड्रिल के बीच मिलिट्री बेस का दौरा किया। देखिए ताइवान में कैसे हड़कंप मचा है, ताइवान बेस पर स्ट्रिंगर मिसाइल का निरीक्षण किया गया, ताइवानी सेना अपनी रक्षा को तैयार है, और अपनी सुरक्षा के लिए जो एक्शन लिया जा रहा है वो आपके सामने है। बेस पर स्ट्रिंगर मिसाइल का जो निरीक्षण है वो किया गया है, ताइवानी सेना अपनी रक्षा को तैयार है, ये कहना है ताइवानी राष्ट्रपति का। और चीन की ड्रिल को लेकर अमेरिका भी अलर्ट पर है, ताइवान में मौजूद US फोर्सेस हाई अलर्ट पर है, ड्रिल बड़े आक्रमण में बदल सकती है, ये US का कहना है, अमेरिका का कहना है, जो ड्रिल किया जा रहा है चीन की ओर से वो बड़े आक्रमण पर बदल सकती है। तो जो सुपर पावर देश है अमेरिका, वो भी अपनी नजरें गड़ा कर रखा है कि आगे क्या होगा। मनीष, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो फिलहाल ड्रिल है, लेकिन इसकी आड़ में एक बड़ा आक्रमण हो सकता है, कि बहुत बड़ा बड़े संकेत US की तरफ से मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चीन की तो नियत में खोट है ही, हम लोग भी जानते हैं, भारत से बेहतर कौन बता सकता है। याद करिए गलवान के पास पहले हर साल यही ड्रिल करते थे, और ड्रिल के नाम पर वो आगे बढ़ने की कोशिश हुई और फिर गलवान में हिंसा हुई, ठीक यही चीज अब वो ताइवान के साथ करना चाहता है, और इस बात को अमेरिका भी बखूबी समझता है। लेकिन बात यह है कि ताइवान से अमेरिका का जो एयर का जो बेस है, इंडो पैसिफिक बेस, वो है गुआम में, गुआम से ताइवान की सीमा तक आने में उन्हें कई घंटे लगेंगे, और वहीं दूसरी तरफ चीन की नेवी, चीन के एयरफोर्स ने ताइवान की जो घेराबंदी की है वो 1 से 2 घंटे में ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। तो ऐसी स्थिति में ताइवान को पता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, ठीक है मनीष, मैं आपको रोक रही हूँ, आपके पास आऊंगी, अब आपको दिखाते हैं तिब्बत के उस बंकर से टीवी 9 रिपोर्टर भारतवर्ष की ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो उन्होंने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी, उनकी रिपोर्ट उस बंकर से है जिसे चीन के हमलों से बचने के लिए ताइवान इस्तेमाल करता है। वो जगह जहां पर की PLA की सेना जब आई थी तो ताइवान के इस किनमेन आइलैंड के लोग आकर छुपे थे, और यहां पर ताइवान के सैनिक मौजूद थे, और उन्होंने फिर PLA पर गोलीबारी की थी, और तब तक वो लड़ाई लड़ते रहे जब तक PLA के एक एक सैनिकों को नहीं मार दिया था। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं वो जगह जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, वो जगह जिसे देखकर आपको लगेगा कि आखिरकार चीन से लड़ने के लिए ताइवान ने बीते दशकों में कैसी कैसी तैयारियां की है। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं उस जगह को जिसे
किनमेन आइलैंड में स्पेशली बनाया गया है, और मैं अपने कैमरामैन सुनील सिंह से भी कहूंगा कि वो कैमरा लेकर जब अंदर प्रवेश करें तो अपनी सावधानी भी रखें। देखिए अब यहां से हम अंदर जा रहे हैं, और जिसे आप रियल बंकर कह सकते हैं, दुनिया के बहुत कम कोने में इस तरह की चीज़ें बनी हुई है जहां पर कि लोगों को सुरक्षित छुपने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के बंकर बनाए गए हैं। तो देखिए हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले मैं इस गुफा जैसे कंदराओं में घुसता हूँ, और मुझे लगता है मुझे किधर जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट? मुझे लगता है कि मैं लेफ्ट की तरफ चलता हूँ, क्योंकि हमेशा राइट राइट नहीं होता। तो चलिए पहले लेफ्ट की तरफ जाते हैं। देख रहे हैं आप, ये आपको गुफा लग रही है, गुफा के कंदरा, और ये ठीक समंदर के किनारे बहुत बड़े से पहाड़ पर मौजूद है। पिछले दिनों TV9 भारतवर्ष ने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि ताइवान ने अपना जो सबसे बड़ा एयरबेस है वो पहाड़ के नीचे सुरंग काटकर उसमें बनाया है, और उसमें सब फाइटर जेट रखे हैं। और आप देखिए आज जब TV9 भारतवर्ष की टीम इस जगह पर पहुंची है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ठीक इसी तरीके से सुरंग को काटकर वो एयरबेस बनाया होगा, उसकी एक वानगी आप देखिए। और धीरे धीरे हम और अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं जमीन से करीब 20-25 फीट अंदर गहरे में पहुंच चुका हूं, और यहां पर आकर मैं देख पा रहा हूं कि देखिए और अंदर का भी रास्ता है, और वो आप कैमरे पे देख पा रहे होंगे, यहां से आपको बाहर का रास्ता दिखता है। अब हम थोड़ा सा और अंदर प्रवेश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर क्या है। आप जितना अंदर जाते जाते हैं आपको ये थोड़ा सा और रहस्यमय सा दिखता है, थोड़ा डरावना दिखता है। आप चारों तरफ देखिए और अंदाजा लगाइए। तो मैं आपको बता रहा था कि ताइवान ने दरअसल अपने उस भौगोलिक संसाधन का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। एक तरफ जहां उसके पास समंदर है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों को अंदर से काटकर इस तरह के सुरंग बनाए गए हैं, टनल बनाए गए हैं, और इनका बंकर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो सितंबर 2022 की मनीष झा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तो अगर युद्ध की नौबत आती है तो ताइवान की तैयारी कैसी होगी, इसकी बानगी दिखा रहे थे मनीष झा।